नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम आपको व्हील, जो हम लोग दीवान या बेड को खिसका नहीं पाते हैं, हर सीजन वाइज हम लोग बेड को सफाई करते हैं या साइड में सफाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने मूव करने वाला व्हील मंगाया। और कैसे मंगाया है? अमेजॉन के थ्रू। ये देखिए, ये हमारा अमेजॉन से मंगाया हुआ है, जो कि आप लोगों को हमने लिंक अब इसमें भेजना है, और आप लोग भी इसको पूरा अच्छी तरीके से यूज़ करिए। इसमें देखिए, ये इसको तो मैंने लगा लिया है, रख दीजिए। और ये देखिए, ये मेन चीज़, इसका ये चार का सेट आता है। ये व्हील है, ये देखिए चार हमारे व्हील हैं पूरे पूरे, जो चार फोर लेग में हमारे लग जाते हैं। और इसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात, ये जैक दिया है, जो हम बेड को दीवान को खाली ना करके हम इसी के साथ में इसको उठाते। इतने हैवी है कि आप लोग देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो इसका यूज़ आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इसका व्हील देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और ये व्हील है, इसको अगर आपको सामने की तरफ खींचना है दीवान को या बेड को, जहाँ जगह है, स्पेस है, तब इस पे इस तरह से सामने, ये जो होल है ये सामने रखिए। अगर आपको अपने चौड़ाई में, अपने हिस्से में अंदर की तरफ करना है, तो हम इस तरह लगाते हैं व्हील। मतलब ऐसे रहे कि हमारा ये घूमने में, इसकी ऐसे कर देती हैं और ऐसे खींचेंगी तो नहीं जाएगा ये, और जब ऐसे करेंगी तो खींचेंगी इस तरह से। ये देखिए व्हील चल रहा है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। और आप लोग भी इसको बहुत बढ़िया से यूज करिए। काफ़ी लोगों ने, बहनों ने हमारे इसके डिमांड की थी, तो मैंने आज कहा इसको लगा के दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये मैं इस जैक का इस्तेमाल, एक पीढ़ा है या लकड़ी का पट्टा, कुछ भी आप ले लीजिए, और अगर छोटा पड़े तो थोड़ा सा एक पेपर लगा लीजिए। अब मैं देखिए कैसे उठाती हूँ। ये उठाने का हो गया, ये जितना बल लगा के आप उठा सकते हैं उतना उठाइए। और उसके बाद हम व्हील को देखिए निकाल के वो दिखाते हैं। ये व्हील हमारी निकल गई। अब व्हील इसी को अगर आपको आगे खींचना है तो आगे रखिए, हम इधर खींचते हैं अपनी तरफ, तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम अपने आगे की तरफ इसको लगाते हैं। अब देखिए, इसको हम लगा रहे हैं। ये देखिए, ये जैक लग गया। अब मैं जैक को उठा के ये दिखाती हूँ। देखिए जैक कितना काम का, बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। अब मैं आपको खींच कर दिखाती हूँ कि दीवान पे हमने जो लगाया है वो कैसे हमारा ये लगेगा। अब देखिए, मैं इसको इसमें देखिए पहली खा, अब मैं इसी तरह देखिए ये दूसरा भी लगा ली हूँ और उस तरफ भी लगा ली हूँ, इसको आगे करके। और कैसे आगे करेंगे ये देखिए, अब मेरा ये दीवान भरा हुआ है कपड़ों से। एक डबल, ये एक गद्दा रखा है, दूसरा गद्दा मेरे पास एक्स्ट्रा था। देखिए मैंने लगाया है, और इसको मैं खींच कर दिखा के आपको यूज, और इसमें पूरे कपड़े भरे हुए हैं दीवान में, देखिए। और इसके साथ मैं खींच कर कैसे सफाई करती रहती हूँ, झाड़ू पोछा वाली, ऐसे देखिए। देखिए कुछ भी नहीं इसको करना है, हम आराम से ये देखिए खींच कर ला रहे हैं। ये देखिए डबल, देखिए गद्दा है, फिर से देख लीजिए, नहीं आप लोगों को लगेगा। और अब मैं दीवान भरा हुआ है, मैं ऐसे दिखाती हूँ खींच के, ये देखिए कितने आराम से आएगा। और झाड़ू पोछा उस पार करके, सफाई करके, और फिर मैं ये आराम से रख दूंगी। ये आप लोगों को व्हील लगाने का सही तरीका और सही चीज़, ये बहुत ही ज़रूरी आवश्यक चीज़ है। और आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर इसका लिंक देते रहिए। मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप लोग इसको खरीदिए, यूज़ करिए, फिर बताइएगा कि हाँ, बिजी इलाहाबादी ने हमें ये बहुत अच्छा आइटम दिया है, आपके पूरे घर की सफाई हो जाएगी। आइए मैं दिखाती हूँ दूसरे डबल बेड में भी मैंने लगाया है, वो काफ़ी ही बड़ा है। ये तो दीवान हमारा 4x6 का था, लेकिन इसको मैंने दिखा दिया चला के, पर बेड को मैं दिखाती हूँ कैसे लगाया है। हाँ देखिए, ये हमारा इस, ये डबल बेड है, लेकिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही हैवी ये बनवाया हुआ है, ना कि रेडीमेड है। इसमें लेग लंबा और बड़ा होने की वजह से मुझे दो लगाने पड़े हैं, दो लेग लगे हुए हैं इधर, दो इसमें और दो उसमें, दो मतलब 8 लेग हमारे पूरे कंप्लीटली लगे हुए हैं। जो आपको ये देख रहे हैं कितना बड़ा पाया है, इसके नीचे देखिए 8 बिल हमारा जो इसमें हमने लगाया है, दो दो का पीस आगे दिख रहा है। इसमें ये चौड़ा है तो ये नहीं दिख रहा होगा, पर हम नीचे से आपको दिखा देते हैं। उसमें तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है कि 2 लेग
उसमें व्हील लगे हुए हैं। और आप लोग इसको देखिए और व्हील का सही उपयोग करिए। अगर सेंटर टेबल शीशे का है तो बड़ा वजन है, मार्बल का है तो और वजन है। आप लोग उसको आगे ले आइए, पीछे ले जाइए और इसको खींच के देखिए। हमारे पास यहाँ सामने नहीं जगह है, पर इसमें बहुत ही भारी है तो मेरा बेटा इसमें हेल्प करता है, तब मैं इसको इस तरफ बना कर रखा है कि हम अपने सामने खींच सकते हैं। अकेले हम बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे और हमारे बेटे के साथ में हम इसको आगे करते हैं, फिर पीछे सफाई होती है। और आप लोग इसको मंगाइए, यूज़ करिए और कमेंट करिए कि ये हमारा व्हील बहुत ही बेटर है, काम की चीज़ है। थैंक यू।